हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज़ की अगली कॉमिक्स डिस्को चोर। संजय गुप्ता पेश करते हैं डिस्को चोर। लेखक तरुण कुमार भाई, परिकल्पना अनुपम सेना, चित्रांकन दिलीप चौबे, रंग संयोजक टी आर आजाद, संपादक मनीष गुप्ता। अक्का अक्का बिच कुछ कह गई चोरनी, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। सारे अमीर ज़ादे डिस्को की धुनों पर नाचने में मस्त हैं प्रभु लेवा, यही मौका है। हाँ, अब मैं अपने हिप्नोटाइज़र की डिस्को लाइट से सबको हिप्नोटाइज कर दूंगा मंकी। सारे डिस्को के दीवाने डिस्को लाइट से सम्मोहित होकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं मंकी, और मैंने इन्हें बता दिया है कि अब इनको आगे क्या करना है। अब हम डिस्को दीवानों की वापसी का इंतज़ार करेंगे। दिल चोरी साडा हो गया ओए, की करिए। जब तक डिस्को दीवाने लौट कर नहीं आते, तब तक टाइम पास के लिए हम भी करते हैं डिस्को। डिस्को दीवाना आना शुरू हो गए प्रभु लेवा। हाँ, और ये अपने घर का कीमती सामान भी ले आए। इनसे सारा सामान इकट्ठा कर ले मंकी, जल्दी कर। वाह वाह, कीमती घड़ियाँ, कैमरे, सीडी प्लेयर्स, ज्वेलरी, नकद रुपए, ये तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा ले आए मंकी। अब हम बनेंगे माला माल और राजा पर वाले होंगे कंगाल। हम डिस्को चोर सारे शहर का कीमती सामान बटोर कर ले जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये कोई शर्म की बात नहीं थी, क्योंकि एक ही रात में इससे पहले भी कई बार चोरियों की कई कई वारदातें हो चुकी थी। कमाल की बात तो ये है कि चोर अपना कोई सुराग तक नहीं छोड़ जाते। लेकिन सर, सुराग छोड़े नहीं जाते, सुराग ढूंढे जाते। मुझे पता है, मैं इंस्पेक्टर रह चुका हूँ तो इससे ज़्यादा जानता हूँ। इसलिए इस बार चोरों को पकड़ने के लिए मैंने जासूसी कुत्ते बुलाए हैं, फुफ फुफ, मगर कोई हल ना निकला। भौं भौं कर, कमाल है, ये कुत्ते तो उन्हीं पर भौंक रहे हैं जिन्होंने अपने घरों में चोरियों की रिपोर्ट दर्ज करवाई। डिस्को चोर समाचार पढ़ पढ़कर खुश हो रहा था। हाँ, ये तो हो नहीं था, क्योंकि चोरियाँ भी तो उन्हीं लोगों ने की हैं और माल लाला कर मुझे दे दिया। टोर्स का ध्यान कंप्यूटर ने राजापुर में होती रहस्यमय चोरियों की तरफ दिलाया। टोड्स, चुप, सुनने दो, किसी चोरी की खबर आ रही है। तू अपने कॉलर क्यों ठीक करने लगा कटर। टीवी पर चोरी की खबर है बेवकूफ। राजापुर के निवासियों को सूचित व सावधान किया जाता है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, कहीं रहस्यमय चोरों का अगला निशाना आप ही ना हो। बाकी के समाचार ब्रेक के बाद। शूटर, जल्दी जा, टोड निवास का टीन का दरवाज़ा बंद कर दे, कहीं चोर यहाँ आ गया तो हम लुट जाएंगे। शूटर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आ गया। कुंडी ठीक से लगा दी ना शूटर? हाँ, एक सोफ़ा भी दरवाजे के आगे सरका दिया है, पर हमारा काम तो चोरों को पकड़ना है। हाँ, अगर हम ही दरवाज़ा बंद करके गटर में बैठेंगे तो फिर चोरों को पकड़ेंगे कैसे? लेकिन मास्टर, ये भी तो सोचो कि अगर हम सब चोरों को ढूंढने बाहर चले गए तो हमारे टोड निवास के कीमती सामान की रखवाली कौन करेगा? कंप्यूटर ठीक कहता, अगर चोर हमारे कीमती सोफे, टीवी वगैरह ले गया तो हम दूसरा सामान कहाँ से लाएंगे? लेकिन और लोग भी तो घर अकेला छोड़कर जाते हैं, उनके सामान की रखवाली कौन करता है? ये तो कंप्यूटर ही बता सकता है। बीमा, मास्टर ऐसे लोग अपने सामान का बीमा करवाते हैं, अगर सामान चोरी चला जाए तो बीमे वाले सामान वापसी की गारंटी देते हैं। पर यह बीमा कौन करता है? बीमा एजेंट करता है। एक बार गटर में एक बीमा एजेंट के प्रचार का पर्चा बहता हुआ आ गया था और मैंने उसका नाम पता अपने कंप्यूटर में दर्ज कर लिया था, आज वो काम आएगा। जल्द ही कंप्यूटर बीमा एजेंट के पास जा पहुंचा। बीमा भाई, हमें अपने घर का बीमा करवाना है, उसके लिए तो तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। तो फिर चलो, ओवरकोट पैंट वाली मोटी करोड़पति पार्टी लग रही है। जल्द ही कंप्यूटर ने टोड निवास में जाने का ढक्कन सरकाया। चलो घुसो अंदर। गटर में? पर बीमा तो घर का करना है। हमारा घर यहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारे घर का बीमा नहीं करना, मुझे जाने दो। हमारे सामान का बीमा कर ले फिर जाने देंगे। अरे, यहाँ तो तीन और हैं। हमारा यार कंप्यूटर बीमा एजेंट को ले आया, इसलिए तो हमने गटर के अंदर भी बाहर वाली ड्रेस पहन ली है, ताकि बीमा भाई हमें देखकर डर ना जाए। बीमा भाई, अब जल्दी से हमारे सामान का बीमा कर लो। पर मैं बीमा सामान का करता हूँ, टूटे फूटे कबाड़ का नहीं। गटर आगे बढ़ा। बीमा भाई, क्या तुम्हारा बीमा है? नहीं, अभी तक मैंने अपना बीमा नहीं करवाया। यह सुनते ही धार धार धार, ओ मर गया। अब तो तू भी टूट फूट गया, अब बता तेरा बीमा होगा या नहीं? बोल, हमारे सामान का बीमा करेगा या नहीं? करूंगा बाबा, करूंगा, पर मुझे मारना मत। लाओ प्रीमियम निकालू। प्रीमियम? वो हमारे घर में नहीं रहता, तो उसको कहाँ से निकालें? तू ऐसे ही बीमा कर।
इनसे बहस की तो अभी एक ने पीटा है, फिर बाकी भी पीटेंगे। इनके सामान का प्रीमियम अपनी जेब से भरना पड़ेगा, पर किसी तरह इन यमदूतों से पीछा तो छूटे। और आखिर टोट्स के सामान का बीमा हो गया। ये लो रसीद, तुम्हारे सामान का बीमा हो गया। वाह वाह, मुबारक हो। शूटर, जा बीमा भाई को दरवाजे तक छोड़ा। मुझे रास्ता पता है, मैं खुद चला जाऊंगा। घर पहुंचने से पहले अपना भी बीमा करवाता हूं। बीमा भाई के जाने के बाद अब हमको अपने घर का सामान चोरी होने का डर नहीं रहा। चोर चोरी करने के लिए रात को ही निकलते हैं, और इस वक्त भी रात है। अब हम चोर को पकड़ने चलते हैं। फाइटर टोर्च गटर से बाहर सड़क पर आ गए। हम चोर की तलाश में बाहर तो आ गए, पर हम चोर को पहचानेंगे कैसे? चोर को पहचानना बड़ा आसान है। जिसके पास चोरी का सामान होगा वही चोर है। अरे वाह, शूटर ने क्या धांसू आइडिया दिया। अब चोर हमसे नहीं बच सकता। तभी कटर ठिठक कर रुक गया। यारो रुक जाओ, क्या तुम्हें चोर दिख गया? कटर, नहीं, पर चोर के दिखने की उम्मीद दिख गई है। क्या मतलब है तेरा कटर? उस स्वप्न सुंदरी और उसके सामान को देखो। चोर की नज़र इस पर ज़रूर पड़ेगी और वो इसे चुराने ज़रूर आएगा। फिर जब वो इसे चुराने आएगा तो मैं स्वप्न सुंदरी का सामान बचाकर चोर को पकड़ लूँगा। चोर तो पकड़ा जाएगा ही, ये स्वप्न सुंदरी भी मेरी बहादुरी पर रीझ कर हिंदी फिल्मों की तरह मुझसे प्यार करने लग जाएगी। मास्टर देखो, ये तो चल भी स्वप्न में ही रही लगती है। कटर बकवास बंद कर, स्वप्न सुंदरी के चक्कर में पड़कर एक बार पहले भी हम धोखा खा चुके हैं। एक बार हमको अपना सारा ध्यान सिर्फ इस बार हमको अपना सारा ध्यान सिर्फ चोरों को पकड़ने में लगाना है। हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मास्टर वो देख, लड़की को कुछ गंडों ने घेर लिया है। ये वही चोर होंगे जिनकी हमें तलाश है। तेरा शक ठीक है मास्टर, लड़की उन्हें अपना सूटकेस दे रही है और गहने भी। कंप्यूटर तू भी अभी तक चुपचाप खड़ा है? स्वप्न सुंदरी के विषय में जानने के लिए बढ़े फाइटर टूट्स का हंसता गुदगुदाता कॉमिक विशेषांक स्वप्न सुंदरी, जो कि चैनल पर अपलोड है। टूट्स एक्शन। अपना अपना शिकार चुन लो। मैंने इसे चुन लिया था, मैंने इसे था और मैंने इसे था। ये चारों कौन है जो हमारे काम में टांग अड़ाने आ गए हैं? हम हैं अपराध के दुश्मन फाइटर टोट्स था। अरे ये तो दूर से भी घुसा मार सकता है। तो तू घबरा तो क्या एम्पलीफायर, मैं भी मामूली सिंगर नहीं हूँ। मैं जब अपनी कर्कश आवाज़ में गाना गाता हूँ तो दूर दूर तक हंगामा मच जाता है। देख तमाशा। सिंगर ने अपना माइक संभाला और एक हो गए हम और तुम और उड़ गई नींदे रे, अर्चन की पायल धीरे धीरे मध्यम मचा ले रे, हम्मा 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 हम। बाप रे, बड़ा भयंकर सिंगर है, इसने तो गाना गाकर स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। बंद कर अपना गाना था। सिंगर जब गाना शुरू करता है तो श्रोताओं को बाहर किए बहरा किए बिना गाना बंद नहीं करता। कटर डांसर को डांस करते हुए देख रहा था। या कोको जम्बो या मेरे से मार खाकर ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, वरना ये मुझसे लड़ने की बजाय अपना पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर चालू करके डांस ना करने लगता। कटर को डांसर की चाल जरा देर में समझ आया। था आओ, ओ इसने नाचते नाचते लात घुमाकर मेरा मुंह भी घुमा दिया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हुस्न जवानी मालो माल हाय तेरी मतवाली चाल। डांसर को तो पता ही नहीं चल रहा कि ये नाचते नाचते कब पार कर देगा। आ थोड़ा। कटर को जबरदस्त गुस्सा आ गया था। अबे तेरी तो आए, ये तो नाचते हुए मेरा वार भी बचा गया। नहीं हो मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिए। इधर बैंड लीडर सूरज का मास्टर ने तो जैसे अपनी मुसीबत ही बुला ली थी। आओ, स्टील की प्लेट जब एक दूसरे से टकरा कर बसती हैं तो भयानक झंझनाहट पैदा करती हैं जो खोपड़ी को सुन्न कर रही हैं। ठम ढम ढम, और इसकी बेल्ट पर बने मिनी ड्रम सेटों से निकली तेज धमधम भी मेरे ध्यान भंग कर रही है, जिससे मैं अपने दिमाग को इस पर वार करने के लिए एकाग्र नहीं कर पा रहा। टन आओ, इसने मेरे सिर को भी मिनी ड्रम सेट की लोहे की स्टिक से बजा दिया। उफ, इसकी खोपड़ी को मैं भी पोल वॉल से ड्रम की तरह बजाता हूँ। ठाक। मास्टर बैंड लीडर को काबू में करने की चेष्टा कर रहा था और शूटर सिंगर को। स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ने के बाद अब ये मेरे कानों के पर्दे फोड़ने की कोशिश कर रहा है। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे हो गया। अगर मैं ऐसे ही कानों पर हाथ रख के खड़ा रहा तो इसके हाथों पिटता रहूँगा। था। अगर बाण चलाने के लिए कानों से हाथ हटाऊँगा तो बहरा हो जाऊँगा। एक तरकीब आ रही है इससे छुटकारा पाने की, पर उसके लिए मुझे उस ऊँची बिल्डिंग की छत पर उछल कर जाना होगा। श्यू, यहाँ सिंगर की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं आ रही, पर सिंगर पूरा मुंह फाड़ कर गाने की आवाज़ मुझ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, और अब मैं उसकी आवाज़ बंद करने के लिए छोड़ता हूँ तीर। चकपक चकपक घुमूला, जो सिंगर के खुले मुंह में जा घुसेगा गप, और मेरा दूसरा वार इसके हाथ में थमे उस माइक को तोड़ देगा जो इसकी आवाज़ की तरंगें बढ़ाकर मेरे कानों के पर्दे फाड़ने की कोशिश कर रहा था। क्लाक। और ये तीसरा वार इसकी खोपड़ी के तंतु हिलाने के लिए। सिंगर को दिन में चांद तारे सितारे नजर आ गए थे।
डांसर कटर को ब्रेक डांस के झटके दिखा दिखाकर न सिर्फ पीट रहा था बल्कि कटर के वारों से बच भी रहा था। अशोक ओसाका मुरैया ओ ये मेरे दिल में क्या है था, ऐसे तो ये मुझे पीटते ही जाएगा और मैं पिटते ही जाऊंगा। ओह, अगर मैं इसका वो यंत्र ही तोड़ दूं जिससे गाने की आवाज़ें आ रही हैं तो फिर ये नाच नहीं पाएगा। वाह, ये धासु कटरी आइडिया मुझे इससे मार खाने से पहले क्यों नहीं आया। कड़ाक, बिना डांसिंग सॉन्ग के अब इसके कदम बहक रहे हैं और ये डांस नहीं कर पा रहा है। कंप्यूटर चल कोई बढ़िया सी धुन लगा, अब मैं इसे दिखाता हूँ उन्हें डांस का कमाल। अभी लगाता हूँ, मेरे पास नए हिट सॉन्ग्स की सीडी है जिसमें मैंने रीमिक्स शामिल किए हैं। इस रीमिक्स को मैंने नाम दिया है टर टर हिस्ट हिट्स टन टन आ टन 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 टार, चलती है क्या 9 से 12 रटर था, अब तो मेरी लातें ही चलेंगी और चलेगी मेरी तलवार। बैंड लीडर से निपटने के लिए मास्टर ने अभी तरकीब ढूंढ ली थी, इसे अपने कानों के पास आने का मौका ही नहीं दूंगा, फिर ये ड्रम सेट और स्टील प्लेटों की झनकार से मेरा दिमाग नहीं ला पाएगा। उसके लिए मैं अपना आकार बढ़ाता हूँ और अपने पोल वाल्ट को लंबा करके बजाता हूँ, स्टील प्लेटों को जिनकी झनझनाहट अब उल्टा इसी पर असर करेगी। झनक, पोल वाल्ट के प्रहार के बाद स्टील प्लेटों की झनकार ने बैंड लीडर के पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया। ओह, इनके पोल वाल्ट में तो जबरदस्त शक्ति है, कहीं मेरी हड्डियां मेरे शरीर से ना निकल जाएं। शरीर का कंपन रुका तो बैंड लीडर धम्ब से नीचे गिर पड़ा। तरकीब कामयाब रही, ये तो गया। अपने आदमियों को धराशायी होते देख एम्पलीफायर गुस्से से पागल होकर चीख पड़ा। अब तू एम्पलीफायर से नहीं बचेगा मेढक की औलाद, अपने मुंह पर लगे एम्पलीफायर के जरिए मैं अपनी आवाज़ को 5000 गुना बढ़ा सकता हूँ। अबे तेरी तो आ आ, तू भी आ मेढक की औलाद, तुझे तो मैं फूक करके उड़ा दूंगा। मैं तेरा भी मुंह यहीं खड़े खड़े तोड़ देता हूँ। थाम, पहले अपना मुंह तो बचा मेढक की औलाद। कहाँ गया रहा चौथा? चौथा तेरे पीछे एम्पलीफायर। मैंने कंप्यूटर से पता कर लिया था कि आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ग्राफिक इक्वलाइजर का प्रयोग करते हैं, जैसा आजकल के म्यूजिक सिस्टमों में भी लगा होता है, और ग्राफिक इक्वलाइजर तूने अपनी पीठ पर लगा रखा है। अब तू कितना भी चिल्ला ले पर तेरी आवाज़ की तरंगें साधारण ही रहेंगी। नहीं, अब मैं चिल्लाऊंगा टोर्ड्स एक्शन और फिर मेरे बाद तू चिल्लाएगा या या, मर गया तड़तड़ा तड़, देख चिल्लाया ना। मास्टर चारों लुढ़क गए। मास्टर, वो कंबकत एम्पलीफायर में बार बार मेढक की औलाद कह रहा था, कहीं वो हमें गाली तो नहीं दे रहा था? नहीं कटर, हम तो हैं ही मेढक की औलाद हैं, फिर ये गाली कैसे हो सकती है? पर अब जल्दी से उस लड़की का सामान उसे दे दो। स्वप्न सुंदरी जी, ये लीजिए अपना सामान, हमने आपका सामान उन चोरों को नहीं ले जाने दिया, अब आप जल्दी से ये सामान ले जाए लेकर अपने घर जाओ, ज़माना ख़राब है, कहीं चोर फिर आपके पीछे ना लग जाएं, इन बदमाशों की खबर हम पुलिस को दे देंगे। लेकिन सूटकेस लेते ही लड़की को अचानक न जाने क्या हुआ कि थार, आओ ये तो मुझे मार रही है। मास्टर की सूरत उसे पसंद नहीं आई, मास्टर की शक्ल है ही ऐसी। थार, ये तो हमें भी मार रही है जबकि हमने इसका कीमती सामान चोरों से बचाया। थार थार, कार्टर सबसे पहले उठकर खड़ा तो हुआ पर चटा, आओ मास्टर लाना धैम्पर, ये हमें सैंडल से मार रही है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंप्यूटर, क्या तेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा? इसके हमले को देखकर लग रहा है कि कहीं ये भी उन चोरों की साधन तो नहीं जिन्हें हम ढूंढने निकले, वरना ये हमें पीटती क्यों? अब तो मुझे भी यही लग रहा है, हमने ये तो सोचा ही नहीं कि लड़की ने चुपचाप अपना सामान उन चोरों को क्यों दे दिया था, मदद के लिए भी नहीं चिल्लाई, ज़रूर यही सारा सामान चुरा कर लाई थी और अब अपने साथियों को दे रही थी। फिर तो मुझे कहना ही पड़ेगा टोर्स एक्शन। टोर्स एक्शन होते ही टोर्स में नई ऊर्जा भर गई। चोटी, अब तुझे भी हम पुलिस के हवाले करेंगे। लड़की की ताकत देखकर टोर्स को अपनी ताकत पर जरूर शर्म आ गई होगी। थम थम पटा, इसने तो हम तीनों को पटक दिया। लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई मास्टर? ये लड़की है इसलिए इस पर हम अपने शस्त्रों का प्रयोग भी नहीं कर सकते, वरना हम अपने आप को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लड़की ने कटर को टांगों से पकड़कर घुमा दिया। साए साए साए, मास्टर मुझे बता कि मैं क्या करूं? हम तो खुद तुझसे पूछने वाले थे कटर। उफ थम साए थार, मैं इसे पीछे से जाकर पकड़ने की कोशिश की तो ये मुझे भी उछाल फेंकेगी और मेरी हड्डियों के साथ साथ मेरा कंप्यूटर भी टूट सकता है। लड़की के सामान उठाकर गुंडों को वापस सौंप दिया। ये तो कमाल हो गया रे एम्पलीफायर, जो काम हम चारों ना कर पाए वो इस लड़की ने कर दिया। ये कमाल हमारे बॉस प्रभु लेवा की सम्मान की ताकत का है। लड़की सामान हमें देकर चली गई। अब इससे पहले कि ये मैडम उठ खड़े हों, सामान लेकर निकल लो। लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं था। इसका मतलब वो लड़की चोर नहीं है, वो तो लड़की होने के कारण बच गई क्योंकि हम उस पर शस्त्रों का हमला नहीं कर सकते थे, पर तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, सामान हमारे हवाले करो।
अब मैं भाग तो सारा सामान तुम रख लो। ये हुई ना बात, हमारे पांव पकड़कर तुम दोबारा पिटने से बच गए। कटर शूटर सामान उठा लो। लेकिन मास्टर, इन चारों को पुलिस के हवाले भी तो करना है। पर हमें ये तो पता ही नहीं कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। हमें बताएं, हम खुद चले जाएंगे। ठीक है, आउटडोर्स हम चलें। वो लड़की इधरी गई है, हम सामान उसका पीछा करके उसके घर में छोड़ देंगे, वो अपने आप ले लेगी। एम्पलीफायर, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। डिस्को पर पुलिस को शक हो गया था, इसलिए प्रभु लेवा ने रास्ते में ही लड़की से माल लेने के लिए हमें भेज दिया था। लेकिन अगर हम खाली हाथ प्रभु लेवा के पास गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सामान वापस लेने की एक तरकीब मुझे आ रही है। हम चोर चोर का शोर मचाते हैं, जो शोर मचाता है पब्लिक उसी का साथ देती है। चोर चोर का शोर मचाने से पब्लिक उन मेढकों को घेर कर पीट देगी और हमारा सामान भी हमें वापस मिल जाएगा। वाह, तो फिर मचाओ शोर। चोर चोर, अरे चोर तो ये खुद है, फिर चोर चोर का शोर क्यों मचा रहे हैं? कहाँ है चोर? वो रहे, उन्होंने हमारा सामान लूट लिया। मास्टर, ये तो हमारी ओर आ रहे हैं, मारो मारो। वो सिर्फ आ नहीं रहे, कुछ बोल रहे हैं, चोर चोर, हाँ मारो मारो। पर ये अपने आप को पिटवाने पर क्यों तुले हैं? बेवकूफ, वो अपने आप को मारने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हमें मारने के लिए कह रहे हैं। मास्टर, उन चोरों ने हम पर उल्टा वार कर दिया है। पब्लिक हमें चोर समझकर हमें ही पीटने आ रही है, और हम पब्लिक को ये बात नहीं समझा पाएंगे कि असली चोर कौन है। तो अब क्या करें, क्योंकि ये पब्लिक निर्दोष है और हम इन पर हाथ भी नहीं उठा सकते। पब्लिक पास आ गई है कंप्यूटर, मारो मारो। तो फिर सामान इन पर फेंको और भागो। चोर चोर, ये तो हमारे पीछे पड़ गए, भागने से काम नहीं चलेगा। उछलो, च्यू च्यू, मारो मारो। सिंगर, डांसर, एम्पली, योजना सफल हो गई। जल्दी सामान उठाओ और भागो। इससे अच्छा तो हम पहले ही चोर चोर का शोर मचा देते, उनसे पिटने से भी बच जाते। टोर्स की जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्ध गटर को आए। मास्टर, मैं उन चोरों को छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा। हाँ मास्टर, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि चोरों ने हमें ही चोर कहकर भागने पर मजबूर कर दिया हो। मास्टर, मैंने पता लगा लिया, लड़की आंखें नहीं झपका रही थी। ऐसा तभी होता है जब कोई नींद में चलता है। इस बीमारी को लेप्टोमेनिया कहते हैं। लड़की ने नींद में ही अपना सामान उन गुंडों को दिया था। पर फिर वो हमें क्यों पीटने लगी थी? क्योंकि हमने उन लोगों को पीट दिया था जिनको उसने अपना सामान दिया था। शायद वो हमें अपना दुश्मन समझी होगी। मगर यार, ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। कौन सी मुसीबत कार्टर? अगर हमें भी नींद में चलने की ये बीमारी हो गई और अगर हम नींद में चलकर अपना सामान किसी को दे आए तो फिर क्या होगा? तू जो कह रहा है वो बात तो सही है, ऐसे तो हम अपने हाथों से ही लुट जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पैर बांध कर सोएंगे ताकि अगर हम नींद में चले भी तो गटर से बाहर ना जा सके। मास्टर ने सबकी जंजीरें बांट दी। मास्टर, मेरी तो एक बात और भी समझ में नहीं आ रही कि नींद में भला कोई कैसे चल सकता है, उसे दिखता कैसे है? प्रश्न तो तूने समझदारी वाला किया है कटर, पर इसका उत्तर नींद में चलकर ही दिया जा सकता है। अभी सो जाओ, सुबह हम नींद में चलकर देखेंगे कि नींद में कैसे चला जाता है। रात को बने कार्यक्रम के अनुसार फाइटर टोर्स अब नींद में चलने के लिए तैयार थी। प्यारे टोर्स, हम नाक की सीध में चलेंगे। उद्देश्य याद है ना कटर शूटर? हाँ, हमें देखना है कि नींद में कैसे चलते हैं। तो फिर अपनी अपनी आंखें बंद करो और आगे बढ़ो, क्या पता हम सभी उन चोरों के पास ही पहुंचे। अरे ये चारों तो वही हैं। टोर्स के मित्र टैक्सी ड्राइवर रसीला की निगाहें उन पर पड़ चुकी थी। पर ये कर क्या रहे हैं? आंखें बंद करके क्यों चल रहे हैं? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? मुझे देखना चाहिए। अरे वो चारों तो लिफ्ट में चले गए। टोर्स, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। देखते रहो क्या होता है। लिफ्ट चल पड़ी। अरे हम तो अपने आप चल रहे हैं, पर हमारे कदम तो उठ नहीं रहे। नींद में ऐसे ही चलते होंगे मास्टर, पता चल गया कि नींद में अपने आप बिना चले ही चलते हैं। वाह, लिफ्ट रुक गई, हम अपने आप रुक गए मास्टर, जबकि हमें रुकना नहीं है, चलना है। तो फिर चलो, मुझे तो नींद में चलने में मज़ा आ रहा है। मास्टर, कितनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसी हवा तो हमने कभी नहीं खाई। ये नींद की हवा है शूटर, अभी तू पता नहीं क्या क्या खाएगा, बस चुपचाप चलता रहे। ठहरो, रुक जाओ मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? आए, ये आवाज़ तो हमारे यार रसीला की है। नींद में हमें रसीला मिल गया। रसीला, क्या तू भी नींद में चल रहा है? आंखें खोलो बेवकूफों, और देखो तुम चारों आत्महत्या करने वाले थे। अगर एक भी कदम और आगे बढ़ाते तो तुम चारों भगवान के घर पहुंच जाते, या फिर अपने हाथ पांव तोड़वा बैठते। मास्टर ने तब असलियत बताई तो रसीला ने अपना माथा पीट दिया। रसीला उन्हें लेकर नीचे आ गया। अगर तुम्हें लड़की के नींद में चलने का रहस्य पता करना ही था तो उसी लड़की को नींद से जगाकर करते, या फिर उन्हीं गुंडों से पूछते। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रसीले, तू समय पर ना आ जाता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। रसीला उनसे विदा लेकर चला गया। हमारे यार रसीला ने बचा लिया, अब हम उस लड़की से पूछताछ करेंगे। नहीं नहीं, उसने तो मैं पीट ही डाला था। सच्चाई का पता हम उन चारों गुंडों से लगाएंगे। कम से कम उन्हें हमने पीटा तो था, उनसे पिटे नहीं थे। पर वो गुंडे मिलेंगे कहाँ पर? मेरे कंप्यूटर ने उन चारों की खूबियों के मुताबिक उनका कनेक्शन किसी डिस्को से जोड़ा है। वो चारों हमें किसी डिस्को में ही मिलेंगे।
डांसर प्लस सिंगर प्लस एम्पलीफायर प्लस ब्रैक डीडर इज इक्वल टू डिस्को। मैंने राजापुर के सारे डिस्को की लिस्ट बना ली है और सबसे पास है डिस्को ठुमका। डिस्को ठुमका में प्रवेश की फीस थी 1000 रुपये एक आदमी के। अबे तो हमसे 1000 रुपये क्यों मांग रहा है? हम कोई आदमी थोड़ी हैं, हम तो टोट कटर। चुप कर, हमेशा ज़्यादा बोलता है। जास्ती नहीं बोलने का, चुपचाप 1000 रुपया एक आदमी के हिसाब से 4000 रुपये निकालो वरना रास्ता नापो। रास्ता नापने के लिए हमारे पास पीता नहीं है। कटर बहस मत कर, इसे 4000 रुपये दे दे। ठीक है आओ मेरे साथ। उधर कहाँ ले जा रहे हो? उधर तो टॉयलेट है। यहाँ सबके सामने पैसे निकालूंगा तो मेरे पीछे चोर उचक्के नहीं लग जाएंगे क्या? जल्दी कटर टॉयलेट से बाहर निकला। उसे पैसे दे दिए कटर? हाँ, वो गिन रहा है। तो फिर चलो अंदर। अंदर नज़ारा रंगीन था। धम धम छन छन, इट्स माय लाइफ। यहाँ तो हर कोई नाच रहा है। मास्टर, ऐसे धमाकेदार संगीत में मेरे कदम नहीं रुक रहे। अब तो मैं भी नहीं रुक सकता। कोया कोया लम्बू लुम्बी धम धम। जब तक गुंडे हाथ नहीं लग जाते तब तक नाच लेने में कोई बुराई नहीं है। शुरू हो गया टोट्स का जबरदस्त नाच। या कोको चंबो। शूटर धीरे उछल वरना खोपड़ी तोड़वाएगा। डांस की मस्ती में टोर्स को पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, वाह बहुत मज़ा आ रहा है डिस्को करने में। तो सबसे पहले टोर्स की कैप वहाँ आकर गिरी। अरे ये अपनी कैप कौन उछाल रहा है? इसमें कुछ खास नहीं है, डिस्को डांसर अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अरे कोट भी और जूते भी, इनकी जेबें खाली करके इन्हें वापस फेंक देंगे। ये कोट और कैप तो, ये तो वही फाइटर टोर्स है प्रभु लेवा जिन्होंने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी। टम टमा टम टम, फिर तो ये सही जगह पर आ गए। अब मैं अपनी हिप्नोटाइजर डिस्को लाइटों से दूसरे डिस्को डांसरों के साथ इन चारों को भी सम्मोहित कर दूंगा और फिर ये भी दूसरे अमीरजादों की तरह अपने घर का कीमती सामान हमें पहुंचाएंगे। डिस्को लाइटों में नहा गए टोर्स भी। फिर वही हुआ जो डिस्को चोर प्रभु लेवा चाहता था। अबे मंकी, हम तो डिस्को में नाचने आए, अमीरजादों को डिस्को लाइट से हिप्नोटाइज करके अपने घर का कीमती सामान अपने तक पहुंचाने को कहते हैं। ये तो कबाड़ा उठा लाए। हमारे सामान को कबाड़ा बोलता है? ले ले प्रभु लेवा वरना ये पीट पीट कर तुझे कबाड़ बना देगा। नहीं, मैं ये कबाड़ नहीं लूँगा। तेरा तो बाप भी देगा, ले वरना हम तुझे पीट पीट कर देंगे। खाक। प्रभु लेवा अब भी ले ले, क्योंकि ऐसा ऑर्डर इन्हें तूने ही दिया है। अगर अब तूने ये सामान इनसे नहीं लिया तो ये तुझे ज़बरदस्ती देकर रहेंगे। पर मैं इसका क्या करूँगा? हम इसे कबाड़ी को दे देंगे। ठीक है, तू कहता है तो ले लेता हूँ। अपना सामान यहाँ रख दो, अब घर जाओ। मेरे बापो, घर जाते ही तुम पर से सम्मान का असर खत्म हो जाएगा। अगले दिन टोर्स जब सोकर उठे, हाय मास्टर, हमारा कीमती सामान चोरी हो गया। कल हम डिस्को गए थे तभी चोर हमारा सामान चोरी करके ले गया होगा। हम तो लुट गए। हाँ यारो, हम तो कहीं के नहीं रहे। यारो हम बच गए। हाँ हम बच गए, चोर हमें नहीं ले गया वरना हम और भी कहीं के नहीं रहते। चुप, तुम सामान चोरी जाने से रो क्यों रहे हो? हमारे सामान का तो बीमा है, बीमा भाई हमारा सामान वापस ला कर देगा। तो फिर चलो उसके पास। बीमा भाई की तो उन्हें देखते ही सट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। बीमा भाई, तुमने कहा था अगर हमारा सामान चोरी हो गया तो तुम ला कर दोगे। हमारा सामान चोरी हो गया, अब सामान वापस ला कर दो। इन्हें मना नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नया सामान ला देता हूँ। नहीं, हमें नया सामान अच्छा नहीं लगता, हमें तो पुराना ही चाहिए। पुराना तो कबाड़ी बाजार से मिलेगा। तेरे पैसे बच गए बीमा भाई। बीमा भाई की किस्मत अच्छी थी कि उसे वही सामान मिल गया जिसे प्रभु लेवा ने कबाड़ी को बेच दिया था। अरे ये तो हमारा वाला वही सामान है जो चोरी हो गया था। वाह, तुम्हारा सामान तुम्हें वापस देकर मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया। अब सामान उठाओ और खिसको। अगर हम खिसक गए तो फिर हमें चोर का पता कौन बताएगा? जल्दी बता तू ये सामान कहाँ से लाया, क्योंकि भाई ये वही वो चोर है जिसकी हमें तलाश है। बीमा भाई की क्या मजाल थी जो ना बताता। कबाड़ी वाले ने तो मास्टर के पहले ही गुस्से में बता दिया। वो सामान तो ठुमका डिस्को वाली मंकी मास्टर दे गया था। कबाड़ी वाले के साथ होती गड़बड़ को तौकी ने देखा और टोर्स, तुम इस बेचारे कबाड़ी वाले को क्यों मार रहे हो? सब कुछ सुनने के बाद तौकी का माथा ठनक गया था। मास्टर, ऐसा तो सम्मोहित अवस्था में होता है। ज़रूर मंकी और प्रभु लेवा नाम के वो शैतान डिस्को की आड़ में अमीर लोगों को सम्मोहित करके उन्हें लूट रहे हैं। सारा शहर ऐसी रहस्यमय चोरियों से परेशान है, इन्हें तो रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। फिर तो पहले हमें अपने हाथ रंगने पड़ेंगे। कंप्यूटर जल्दी बता, हाथ रंगने के लिए रंग कहाँ मिलेगा? मूर्ख कटर, ये तो कहावत है, जब किसी को मौके पर ही कोई गलत काम करते हुए पकड़ते हैं तो इसे रंगे हाथ पकड़ना कहते हैं। डिस्को ठुमका के उस विशेष केबिन में प्रभु लेवा के चेहरे पर खास चमक थी। मंकी मास्टर, ऐसे छोटे मोटे डिस्को शो करने से अब बात नहीं बनेगी। मैंने सारे शहर को हिप्नोटाइज करके लूटने की योजना बना ली है। आज डिस्को शो ठुमका नहीं होगा, आज होगा रोड शो, जहां आने जाने वाले भी हिस्सा लेंगे और उन्हें मैं हिप्नोटाइजर की डिस्को लाइट से सम्मोहित करूंगा।
फिर उसके बाद सारा शहर अपने घरों का कीमती सामान हमें ला ला कर देगा। रोड शो की पब्लिसिटी कर दी गई है, देख मंकी, लोग आने भी शुरू हो गए। टिस्को टिस्को, सारे शहर को लूटने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, शहर को लूटने से बचाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी थी। प्रभुलेवा बॉस, आज डिस्को शो नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, आज रोड शो होगा जिसमें हज़ारों लोग डिस्को करेंगे। टॉकी टोर्स के पास लौटी। डिस्को चोर प्रभुलेवा आज पूरे शहर को सम्मोहित करके उन्हें लूटने की प्लानिंग बना चुका है। मैंने पता कर लिया है कि आज वो शो कहाँ करेंगे। फिर तो मास्टर, हमें फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। नहीं, वहाँ तो वो सबको सम्मोहित करेगा, जहाँ लोग अपना सामान पहुँचाएंगे वो जगह कोई दूसरी ही होगी। अगर तुमने मंच पर कोई हंगामा किया तो वो डिस्को चोर होने से साफ मुकर जाएगा, हमें तो उसे रंगे हाथों पकड़ना है। तुम मेरे घर जाकर मेरी वापसी का इंतज़ार करो, मैं उसके रोड शो में हिस्सा लूँगी। फिर जब मैं सम्मोहित होकर अपने घर का कीमती सामान लेकर घर से निकलूँगी तो तुम लोग मेरा पीछा करके प्रभुलेवा के अड्डे पर आसानी से पहुँच सकते हो। टोर्स को अपनी बात समझ जाना तौकी के लिए मुश्किल नहीं था। वहाँ से टोर्स गटर गटर तौकी जी के घर जाने के लिए और तौकी टैक्सी से रोड शो में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़े। अब डिस्को चोर हमारे यहाँ तो नहीं बचेगा। रोड शो हुआ और पूरी शान और शौकत के साथ हुआ। तुणक 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 ता दा दा। प्रभुलेवा, सब दीवाने हो रहे हैं, हिप्नोटाइजर की रंगीन बत्तियाँ चालू करो। मुझे ये देखना है कि डिस्को के दीवानों को सम्मोहित कब और कैसे करता है। हिप्नोटाइजर के रंगीन डिस्को लाइटर ने सबको मदहोश कर दिया। मंकी, आज रात सारा माल समेट कर हम इंडिया छोड़कर दुबई चले जाएंगे। प्रभुलेवा की योजना तो ठीक थी, मगर योजना में कैंची चलने लगी थी। तौकी जी सम्मोहित होकर अपना कीमती सामान लेकर जा रही है मास्टर। ऐसे ही हम भी अपना सामान ले गए होंगे, ऐसे ही वो लड़की भी अपने घर का सामान लाई थी। पर अब तौकी जी का पीछा करके हम डिस्को चोर के अड्डे पर पहुंच जाएंगे। आज के बाद डिस्को चोर कोई शो नहीं कर पाएगा। डिस्को चोर को राजापुर में अब ऐसा शो करने की ज़रूरत नहीं थी। मंकी मास्टर, ये देख, 5 ट्रक भर गए हैं कीमती सामान के, और सामान है कि ख़त्म ही होने को नहीं आ रहा। पुलिस वाले भी अपने माल गोदाम में जब्त सामान हमें दे गए, और ये लो, एक और शिकार आ गई अपनी कीमती चीज़ें लेकर। लाओ लाओ सामान हमारे हवाले कर दो और घर जाओ, घर जाकर तुम्हारा सम्मान टूट जाएगा और यहाँ तुम हमारे हाथों टूटोगे। तुम टोट्स एक्शन। कंप्यूटर, तू तौकी जी को संभाल। बैंड लीडर, इन्हें संभाल। संभाले कैसे, हमारे तो उपकरण अभी रिपेयर नहीं हुए जो इनसे लड़ाई के वक्त टूट गए थे। था था। और बिना उपकरणों के हम बिल्कुल बेकार है प्रभुलेवा। मंकी, आगे बढ़कर इनको फिर। मेरा थोबड़ा तो पहले ही बिगड़ा हुआ है, ये मार मार कर रोस्ट जा देंगे। फिर मेरा काम लड़ना नहीं, मेरी बनाई योजना कि हाँ में हाँ मिलाना है। था थम। तो ये काम डीजे करेगा, मेरा लड़ाका। डीजे ने स्मोक मशीन से डांसिंग फ्लोर पर धुआं धुआं कर दिया। अब धुएं मैं तुम्हें आसानी से पीट सकूंगा, क्योंकि अपनी आंखों पर चढ़े स्मोक ग्लास से मैं देख सकता हूँ। था थम। मास्टर, ये तो मैं पीट रहा है और हम सबको देख ही नहीं पा रहे। उफ, संगीत के तेज शोर में इसके कदमों की आहटें भी सुनाई नहीं पड़ रही। ढम ढा धा ओ। यारो, ये डीजे है तो मेरा नाम भी कंप्यूटर है। डांसिंग फ्लोर पर रेन डांस का प्रबंध भी है। मैंने पाइपों में वाटर की सप्लाई चालू कर दी है, कृत्रिम वर्षा से धुआं बैठ जाएगा। धन्यवाद कंप्यूटर, अब ये मेरे घूसे से नहीं बचेगा। मास्टर ने डीजे को उछाला कटर की ओर। था कटर, ले संभाल इसे, अब तेरी आंखों के सामने तुझे बेहोशी का धुआं दिखेगा। प्रभुलेवा, तुम अपने आदमियों को क्यों पिटवा रहे हो, इन्हें डिस्को लाइट से सम्मोहित क्यों नहीं कर देते। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम हमेशा पिटने के बाद ही क्यों सोचते हो। प्रभुलेवा ने हिप्नोटाइजर की डिस्को लाइटें चालू ही की थी कि हमें पता था कि ये ऐसी हरकतें ज़रूर करेगा, इसलिए तौकी जी के कहने पर हम सम्मोहित लाइटों से बचने के लिए ये विशेष चश्मे अपने साथ ही लाए हैं। प्रास्टर ने प्रभुलेवा की खोपड़ी पर पोल वाल्व का प्रहार करके उसका विशेष टोप हवा में उछाल दिया। था मेरा हिप्नोटाइजर। हिप्नोटाइजर के डिस्को लाइट को लपका कंप्यूटर ने और अब इसे मैं पहनूंगा। शूटर ने बाण प्रभुलेवा पर छोड़ा तो वो नीचे बैठ गया। बाण लगा पीछे खड़े मंकी को। था आओ, मर गया मैं तो, पर मैं तो बच गया। शूटर और मास्टर ने उछलकर जकड़ लिया प्रभुलेवा को। कटर, जल्दी कर, इसका चश्मा उतार दे। चश्मा उतारते ही कंप्यूटर के सिर पर जल्दी बुझती डिस्को लाइट और प्रभुलेवा की आंखों में भर दिया डिस्को के सम्मोहन का जादू। अब मैं इसे जो आदेश दूंगा ये उसे पूरा करेगा। तू इसे इसके साथियों सहित चोरी के माल सहित पुलिस स्टेशन जाने को कह, जो हुक्म मेरे आका। और अब इस यंत्र को नीचे पटक कर नष्ट कर दे, ताकि फिर कोई इसका गलत उपयोग न करने पाए। तलाक। आखिर हमने डिस्को चोरों को पकड़वा ही दिया, पर तौकी जी कैसे ठीक होंगे। तूने सुना नहीं कटर कि प्रभुलेवा ने क्या कहा था, तौकी जी घर पहुँचते ही ठीक हो जाएंगे। तो फिर चलो उन्हें घर पहुँचा दें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स टोड भाई में। तब तक के लिए धन्यवाद।